मंडलयुक्त जयंत नार्लिकर व डीआईजी राजेश जी मोदक ने महाराजगंज के सदर तहसील स्थित ब्लॉक पनियरा के ग्राम सभा रतनपुरवा का निरीक्षण किया। गौरतलब है कि रतनपुरवा ग्राम में एक व्यक्ति दिल्ली से 26 अप्रैल को अपने घर आया था, जो पहले से ही बीमार था, जिसे प्रशासन को पता होने पर जांच कराने पर कोरोना पॉजिटिव मिला। उसे मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में भर्ती कराया गया है। उसी गाँव का गुरुवार को कमिश्नर व डीआईजी ने स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मंडलयुक्त ने निर्देश दिया कि गांव में रहने वाले निवासियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसके तहत अन्य सुविधाओं को सुनिश्चित की जाए। मंडलयुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा कि पीड़ित युवक के संपर्क में आए व्यक्तियों की भी जांच कराई जाए तथा गांव को सील कर पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज किया जाए। मंडलयुक्त जयंत नार्लिकर ने पुलिस अधीक्षक को निर्देश किया कि बॉर्डर एरिया गोरखपुर भटट व कैंपियरगंज सीमा पर सीसीटीवी कैमरे को लगाया जाए तथा उसकी निगरानी भी की जाए। दवा व बीमार व्यक्ति बॉर्डर एरिया से एम्बुलेंस से आने वाले पर निगरानी तथा उसकी सैंपलिंग जरूर कर जांच कराएं। उन्होंने यह भी कहा कि अन्य शहर से आने वाले व्यक्ति की स्क्रीनिंग व क्वारंटाइन जरूर कराएं। उसे गांव तथा परिवार में न जाने दिया जाए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी डॉ. उज्जवल कुमार, पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह साजवान, मुख्य विकास अधिकारी पवन अग्रवाल, CMO अशोक कुमार श्रीवास्तव, STM सदर RB सिंह सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, सैनिटाइज करा देना है हमें और एंट्री एग्जिट इसलिए हम लोग वो कर रहे हैं, साथ ही घर है सर, अगर चाहे तो इसको भी खोल देते हैं, लेकिन इसको हम लोग एहतियात बंद रखेंगे। देखिए 15 से कम क्लस्टर है, 15 से ज्यादा आउटब्रेक है सर। आप वो सीमा चली गई तो 15 से कम मतलब एक भी है, बेसिकली आपको 3 किलोमीटर सीमा बंद करनी होगी। लेकिन जो 1 किलोमीटर वाले हैं उसमें तो एक एक घर में नॉक करके सैनिटाइज और कोई बात नहीं, वो घरों की संख्या करा के जॉइंट टीम बनाई है सर, CMO साहब की और विकास की, एक सफाई कर्मी, एक आशा और ANM, मतलब एक जो है पार्टनर एजेंसी भी ले लेना, नॉन सरकारी WHO। अगले दिन प्रधान के घर गया है तो घर गया सर, तो उसके बाद फिर अपने घर में जो उसके उनको भी रहा सर, तो उसमें लगभग 8 लोगों को भेज दिया अभी सर। बाकी गोरखपुर में सर जो इसको मोटरसाइकिल से लाया था साला जो है उसको बता दिया, वो 2 लोगों को वहाँ से उठा के ले गए। गोरखपुर में भी 2 लोगों के साथ ये रहा सर, कंसाइनमेंट मास्क लेके आया है, वही पता करा रहे हैं, बताना पड़ेगा। तो ये उसी ट्रक वर्क से आ गए होंगे जी, जी। अभी आने का क्या पर्पस था? अब सर जैसे लॉकडाउन हो गया होगा तो इसी भाई ने सोचा होगा कि सामान मैं लेके जा रहा हूँ, तुमको भी हम छोड़ देंगे। तो मास्क की तबीयत खराब थी इसलिए, और ट्रक में क्या सामान लाए? मास्क का कंसाइनमेंट लेके आया था, मास्क ही उतारा गीडा में। उसके बाद सर उसी खाली ट्रक को लेके चला गया अभी आसाम उसका भाई, और आसाम में सब्जी लेके आएगा, तो उसी आसाम फोन किया सर उसको, तो आसाम में वो जगह बता रहा था, वहाँ के DC और SP से बात कर रहे और 2 ही लोग आए तक सर। हाँ 2 ही लोग और ये जो भी कंटेनमेंट की एक्सरसाइज की जानी है आपने देखा की जा रही है, जिलाधिकारी और इसकी महोदय हैं और हम और DIG साहब भी आए हैं इसको देखने के लिए, और इसको कंटेन करके हर घर को हम सैनिटाइज करेंगे, हर घर में स्वच्छता और स्वास्थ्य विभाग की टीम जाके सैनिटाइजिंग और स्वास्थ्य परीक्षण की कार्रवाई करेगी। आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई डोर स्टेप पर दी जाएगी, और भी यदि कोई चिकित्सीय सुविधाएं दी जानी है वो भी दी जाएगी। तो ये 2-3 चीज़ों के अलावा ये कम्प्लीटली सील होगा, कम्प्लीटली बंद होगा, और हम सारे लोगों का क्वारंटाइन कर चुके हैं, उनको उनकी सैंपल टेस्टिंग की जा रही है, जैसे कि और कोई पॉजिटिव व्यक्ति ना निकले। सो यही हमारे प्रयास रहेंगे और हम आशा करते हैं कि इसको हम यहीं पर काउंटिंग कर पाएंगे।